प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मान्य क्लास में। तो दोस्तों, जो भी पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करें, दोस्तों पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ। दोस्तों 20 में से 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। पहला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील के जिले में स्थित है सीकर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या अजमेर में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अन्ना सागर जो जिले है अपने किस जिले में स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। और आपसे पूछ रहे निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो अर्णराज चौहान ने क्या इसका दोस्तों, अर्णराज ने झील का क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजपूताना क्या दोस्तों, राजपूताना का कर्ण किसे कहते हैं। राजस्थान में राजपूताना का कर्ण किसे कहते हैं, कल्याण मल को, करण सिंह को, राय सिंह को या लून कर्ण सर को। तो राजस्थान में राजपूताना का कर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो अपने कहते हैं ये अपने राय सिंह को कहते हैं दोस्तों। और राय सिंह ने अपने बीकानेर जिले की स्थापना की थी दोस्तों। किस जिले की स्थापना की थी, बीकानेर जिले की स्थापना किसने की थी, राय सिंह ने की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 1540 को, 1640 को, 1572 को या 1597 को। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों, 9 मई 1540 के कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या, तो बचपन का नाम दोस्तों महाराणा प्रताप का क्या था, की का नाम था, उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। यही क्वेश्चन आपको पशु परीक्षण एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया। राजसमंद जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया, अमर सिंह ने, राज सिंह ने, गंगा सिंह ने या जगत सिंह ने। तो राजसमंद जो झील है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों राज सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों, राज सिंह ने करवाया। और राजसमंद झील जो है अपने राजसमंद जिले में स्थित है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की थी। राजस्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की, विजय सिंह पटेल ने, मणिकेलाल वर्मा ने, जमुना लाल बजाज ने या साधु सीताराम दास ने। तो राजस्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे, जो भी विजय सिंह पटेल बता रहे हैं ना, विजय सिंह पटेल ने की थी दोस्तों। ऑप्शन आपका क्या, ए ऑप्शन बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, विजय सिंह पटेल ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जमुना लाल बजाज ने या गोपाल सिंह खरवा ने। तो वर्धमान विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़ में। तो दोस्तों गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था ये अपने डूंगरपुर जिले में हुआ था। और गोविंद गिरी को दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता, क्या कहा जाता, आदिवासियों का मसीहा नाम से जाना जाता अपने गोविंद गुरु को। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1935 को, 1938 को, 1937 को या 1936 को। मेवाड़ जो प्रजामंडल थे दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1938 को। जो भी विद्यार्थी 1938 बता रहे ना, 1938 बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों मैं रेगुलर आपके लिए क्लास ला रहा हूँ, रेगुलर आपको हमारी क्लास से जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ, 1934, 1938, 1936 या 1940। मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन हुआ था 1938 को हुआ था। बी ऑप्शन दे रहे हो तो बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पटेल का वास्तविक नाम क्या था। विजय सिंह पटेल का वास्तविक नाम क्या था, राजेंद्र प्रताप सिंह, भूप सिंह या दोस्तों नरेंद्र। तो विजय सिंह पटेल का क्या नाम था, जल्दी से विद्यार्थियों आंसर बताएं। तो जो भी भूप सिंह बता रहे ना, भूप सिंह बताने वाले विद्यार्थियों का सही, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था, 1734 को, 1735 को, 1730 को या 1731 को। हुड़ा जो सम्मेलन हुआ था ये अपना हुआ था 1734 को। ए ऑप्शन आप बता रहे हो, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य संघ की राजधानी किसने, किसे बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया, यानी किस जिले को बनाया गया, भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को या करौली को। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाया गया था अपने अलवर जिले को बनाया गया था दोस्तों। और अलवर जिले को राजस्थान का सिंहद्वार भी नाम से जाना जाता, सिंहद्वार के नाम से अपने अलवर जिले को जाना जाता। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता। दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ, कब मनाया जाता राजस्थान दिवस, 30 जनवरी को, 30 अप्रैल को, 30 मई को या 30 मार्च को। तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता अपने 30 मार्च को मनाया जाता। और आपसे स्थापना दिवस पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता। यही भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग कौन सा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है या चमड़ा उद्योग है।
तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो उद्योग उदाहरण है और अपना सूती वस्त्र उद्योग है, सी ऑप्शन जो आप बता रहे हो, सी ऑप्शन बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही है। दोस्तों मैं रेगुलर आपके लिए सुबह 7 बजे क्लास लेता हूँ, तो आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारी क्लास में जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, 32 खम्भों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में या जालौर दुर्ग में? 32 खम्भों की छतरी दोस्तों अपने रणथंभौर दुर्ग में, और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों, कहाँ पे? सवाई माधोपुर जिले में। क्या दूसरा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है, जहाँ पे दोस्तों हमीर देव चौहान ने राजा जयत्र सिंह की छतरी बनाई थी 32 खम्भों की, क्योंकि 32 वर्षों तक उन्होंने राज किया था या शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? शिवाना में, आमेर में, लोहागढ़ में या जालौर में? तो शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ये आमेर दुर्ग में है दोस्तों, कहाँ है? आमेर में। और आमेर दुर्ग कहाँ पे? जयपुर जिले में दोस्तों, कहाँ पे? जयपुर में है। अच्छे से याद लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आहार सभ्यता किस जिले में स्थित है? आहार सभ्यता किस जिले में स्थित? जैसलमेर में, जालौर में, बीकानेर में या उदयपुर में? आहार सभ्यता दोस्तों आयड़ नदी के किनारे है, और आयड़ नदी के किनारे दोस्तों उदयपुर जिले में दोस्तों। आपसे पूछ लिया आहार सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आयड़ नदी के किनारे दोस्तों, आयड़ नदी के किनारे, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता जो है किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं, हनुमानगढ़ में, जालौर में, बीकानेर में या उदयपुर में? कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अच्छे से सभी इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन सांग ने कहाँ की यात्रा की थी? तो उन्होंने दोस्तों भीनमाल जालौर की थी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बताएं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के लिए हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।